वेलकम गाइस, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ स्लाइस पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। आप लोग देख सकते हो, आप लोगों ने स्लाइस क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना होगा। यहाँ पे स्लाइस का ये लोग पर्सनल लोन बना रहे हैं। अभी 50K से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो गया है, 3.7 स्टार रेटिंग्स है और बहुत लोगों को भाई इस एप्लीकेशन पे बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं। लोग भाई इस एप्लीकेशन पे जाके अप्लाई कर रहे हैं, लोगों के साथ तरह तरह की प्रॉब्लम आ रहा है और लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा हैरेसमेंट हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों को भाई रियलिटी बताऊँगा इस एप्लीकेशन की। यहाँ पे जो भी रिव्यूज़ है गाइस, 5-स्टार रिव्यूज़ है, इसे देख के आप लोगों को धोखे में नहीं पड़ना है। और भाई एक चीज़ बता दूँ, बहुत ही रिस्की एप्लीकेशन है। अभी ये लोग तो भाई बहुत सारी चीज़ें क्लेम करते हैं कि भाई आप लोगों को 10,000 रुपीज़ से आप तो 50 लाख तक लोन दे देंगे, 11% से आप तो 22% तक यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होगा, आसानी से आप लोग यहाँ पर पर्सनल लोन ले सकते हो, NBFC रजिस्टर्ड है, बहुत सारी चीज़ें ये लोग क्लेम करते हैं। लेकिन रियलिटी में भाई ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो बता दूँ, ये एप्लीकेशन आप लोगों से बहुत सारी डाटा भी कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अगर आप लोग लोन अप्लाई करते हो भाई, आप लोगों को कोई भी हाई अमाउंट का लोन इस एप्लीकेशन पे नहीं मिलता है। यहाँ पे लोगों को 6-7 डेज के लिए लोन दिया जाता है और लोगों को लोन ट्रैप में फंसाया जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग 1-स्टार रिव्यूज़ पे आओगे तो लोग बता रहे हैं कि भाई 7 डेज के लिए लोन दिया जाता है, ऑलमोस्ट 60% ये लोग प्रोवाइड करते हैं, बाकी 40% भाई प्रोसेसिंग फ़ीस, इंटरेस्ट रेट, इन सब में चला जाता है। यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस भी बहुत ही हाई है, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फ़ीस, ये सब तो आप लोग पूछो ही मत, बहुत ही हाई है। 7 डेज़ के लिए मिलेगा और 7 डेज़ में ही आप लोगों को रिपेमेंट के लिए ये एप्लीकेशन वाले फोर्स भी करेंगे। यहाँ पे भाई कोई भी NBFC रजिस्टर्ड नहीं है एप्लीकेशन, ये एक प्राइवेट एप्लीकेशन है जो कि एक प्राइवेट बंदा चला रहा है। अभी आप लोगों को भाई यहाँ पे कोई भी रिपेमेंट वगैरह नहीं करना है। अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन वाले 3 महीना, 6 महीना, 1 साल बोल के 6-7 डेज़ के लिए लोन दे देता है तो ठीक है भाई, आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोगों को इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट साइबर क्राइम पे कंप्लेन भी करना है अगर आप लोगों को ये लोग हैरेसमेंट करता है। ऐसे भाई एप्लीकेशन इतना भी अच्छा नहीं है, बहुत ही रिस्की एप्लीकेशन है, बहुत ही तरह तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे आते हैं। अगर आप लोगों को बहुत सारा दिक्कत आता है तो भाई यहाँ पे आप लोगों को ना कंप्लेन करना है और यहाँ पे अपने नंबर को कुछ दिन के लिए बंद कर देना है, कंप्लेन कॉपी सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज देना है और भाई ऐसी टाइप की एप्लीकेशन से दूर ही रहना है। अगर आप लोगों को अच्छा वाला लोन चाहिए गाइस, अगर आप लोगों को जेन्युइन लोन चाहिए, पर्सनल लोन 1-2 दिन के अंदर ही अगर आप लोगों को चाहिए, तो ऐसी स्लाइस पर्सनल लोन एप्लीकेशन पे तो आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल स्लाइस कंपनी से मतलब ये लोग कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, आप लोगों को अगर लोन चाहिए तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी लिंक्स दे दूँगा, आप लोग जाके देख सकते हो, आसानी से आप लोग पर्सनल लोन ले सकते हो, ऑनलाइन बहुत ईजी है। ये जो स्लाइस पर्सनल लोन है भाई, मेरे को तो नहीं लगता है अच्छा एप्लीकेशन है, तो मैं आप लोगों को सजेशन नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे तो बस इतना ही बताना था। अभी आप लोगों की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट पे जरूर बताना। आज के वीडियो में इतना ही था गाइस, बाय बाय गाइस, लव यू गाइस।